गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन आईटी पीरियड। अब तक हम कर चुके हैं सेशन टू का एंट्रिंग डाटा इन स्प्रेडशीट, फिलिंग रेंज, एड कट कॉपी पेस्ट ऑपरेशन विद डाटा। आज हम करेंगे ऑटो इनपुट, एडिटिंग डाटा और थोड़े से फॉर्मूला। पेज नंबर 107, 2.3.2 ऑटो इनपुट। ऑटो इनपुट होता है जब भी हम किसी सेल में लिखते हैं तो अपने आप सेल को सजेस्ट करना, हमें सजेस्ट करना कोई भी मैचिंग वर्ड जो हमने पहले लिखा है। टूल्स मेन्यू में जाकर सेल कंटेंट और ऑटो इनपुट, यह आपकी टॉगल कमांड है। टॉगल कमांड होता है कि टॉगल कमांड हमारी डबल काम करती है, एक बार ऑन और एक बार ऑफ। तो हम करके देखेंगे इसे। हम लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा, फर्स्ट सेल में हमने लिखा यहाँ अमन। जब हम दूसरी बार ए स्टार्ट करेंगे तो यह हमें अपने आप ही अमन वर्ड सजेस्ट कर देगा, लेकिन हम यहाँ चेंज कर लेते हैं। अब हम थर्ड वर्ड लिखेंगे ए एम। जैसे ही मैंने ए लिखा, फिर वही फर्स्ट वर्ड सजेस्ट कर रहा है और यहाँ मैंने एम किया तो अंकुर नाम चेंज हो गया है, क्योंकि सेकंड सेल पे हमारा क्या था, अंकुर। इसी तरह से यह सजेस्ट करता है सेल हमें कि आप यह इनपुट भी दे सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस पहले हमने इस वर्ड लिखने से पहले हमने इसे जो इनपुट दी है वही हमें बार बार सजेस्ट की जाती है कि आप यह इनपुट दे चुके हैं, क्या आपने यह दोबारा से फीड करनी है। अगर हमें करनी है तो हम एंटर प्रेस कर देंगे, और अगर नहीं करनी तो हम क्या करेंगे, उसको चेंज कर लेंगे। और इसका ऑप्शन है हमारे पास टूल्स मेन्यू में जाकर सेल कंटेंट और ऑटो इनपुट ऑन है। अगर मैं इसे ऑफ कर देती हूँ तो हम यहाँ नाम लिखेंगे। यहाँ देखिए, अब हम नाम लिखेंगे, इसमें कुछ भी नाम लिख रहे हैं। अब ऑटो इनपुट ऑफ होने के बाद वह हमें वर्ड सजेस्ट करना बंद कर देता है। वापस अगर हम इसे ऑन करना चाहते हैं तो वही टूल्स मेन्यू में जाकर सेल कंटेंट और ऑटो इनपुट, और अब अगर हम फीड करना शुरू करते हैं, यहाँ देखिए दोबारा से हमारे पास वर्ड सजेस्ट हो गई है। तो ऑटो इनपुट हमें वर्ड सजेस्ट करता है जो भी उसके पास पहले हमने फीड किए हैं, और इसका मेथड है टूल्स मेन्यू में जाकर सेल कंटेंट और ऑटो इनपुट ऑप्शन। यह टॉगल कमांड है, यह ऑन ऑफ दोनों का काम करती है। उसके बाद है नेमिंग रेंज। नेमिंग रेंज का मतलब है कि हमने रेंज सिलेक्ट की और उसे नाम दे दिया। जैसे हर एक का एक नाम होता है, जिस पर्टिकुलर नाम से हम उसे बुलाते हैं और कोई काम कहते हैं, उसी तरह से हम रेंज में क्या करेंगे, इस रेंज को नाम दे देंगे जिसे हम दोबारा भी काम करना हो, इस रेंज का नाम उसे डिनोट करके और उस वहाँ पर पहुँच सकते हैं। इसका मेथड है हमारा रेंज सिलेक्ट। सबसे पहले रेंज सिलेक्ट करनी है हमें, और उसके बाद नेम टाइप करना है। नेम टाइप करना है हमें नेम बॉक्स में, तो हम देखते हैं कैसे करना है। और इसका मेथड ये है, इंसर्ट मेन्यू में जाकर नेम्स डिफाइन। आपका यह मेन्यू बार से इंसर्ट नेम डिफाइन। यहाँ देखिए हमारे पास कुछ नाम लिखे गए हैं, हम इनके चाहे यहाँ पर मार्क्स लिख देते हैं। हमने नाम लिख दिए हैं, अब हम इस रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम इसे नेम दे देंगे, कर लिया और उसे नाम दे दिया है। इंसर्ट मेन्यू में जाकर नेम्स और डिफाइन, डिफाइन में हमने यहाँ दे दिया ए बी सी। जैसे ही हम इसे नाम देंगे, ओके कर दिया हमने इस नेम को। देखिए अब देखिए हम कर्सर को कहीं और ले जाते हैं, हम ले आए हैं इसे A100 पे। अब हमने यहाँ काम करना शुरू कर दिया, सीरियल नंबर लिखा, नेम लिखा। आपके पास यहाँ पे ये नेम बॉक्स है कोने में, जहाँ से हमारे कॉलम और रो शुरू होती हैं, जहाँ से वर्क एरिया शुरू होता है, जहाँ हमने काम करना है वहाँ हम यहाँ काम कर रहे हैं। तो हमारा सेल एड्रेस जो C100,
C100 पे हमारा कर्सर है। अगर हम इसे लिख देते हैं C100 की जगह ABC, जैसे ही हम ABC क्लिक करेंगे हमारा जो कर्सर है वो इस रेंज पर आ जाएगा। यह होता है एक किसी पर्टिकुलर रेंज को नाम देना और फिर हम पूरी स्क्रीन में, पूरे वर्कशीट में कहीं भी हो, और जैसे ही हम नेम बॉक्स में नेम टाइप करेंगे हमारा जो कर्सर है वह उस रेंज पर पहुंच जाएगा। जिस तरह से हम किसी स्टूडेंट को बुलाते हैं वह स्टूडेंट उठ के हमारे पास आ जाता है, उसी तरह से यहाँ हम नेम देंगे नेम बॉक्स में और वह डाटा हमें डिस्प्ले हो जाएगा। इससे अगला जो टॉपिक है हमारा एडिटिंग डाटा, डाटा को एडिट करना, यानी कि हम एक बार कुछ काम कर चुके हैं और उसे दोबारा से मॉडिफाई करना या फिर उस डाटा में कुछ और डाटा को ऐड करना, क्या कहलाता है हमारा एडिटिंग डाटा। तो एडिटिंग करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हमें उस सेल पे जाना होगा जहाँ पे हमें डाटा को एडिट करना है या नया लिखना है, उसके बाद उस कंटेंट्स को देखना होगा और हमें क्या करना है, दो तरह से हम कर सकते हैं, F2 की से और हमारा कर्सर को वहां पर क्लिक करके, कीबोर्ड से क्लिक करके या माउस से क्लिक करके, यहां देख हमारा 3 नंबर पर जो अंकुर नाम लिखा है हमें उसे चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, या तो अंकुर पे क्लिक करेंगे, हम फॉर्मूला बार पर जाकर इस नाम को इरेज करके दूसरा नाम लिख सकते हैं, हमारा नाम चेंज हो गया है। इसी तरह से हम 4 नंबर का नाम चेंज कर सकते हैं, चाहे तो आप ऊपर से ओवरराइट कर लीजिए और अगर एडिट करना है तो आप फॉर्मूला बार से चेंज कर सकते हैं। हम फॉर्मूला बार पर जाकर इन्हें एडिट कर सकते हैं, हम यह चेंजेस F2 की प्रेस करने से भी कर सकते हैं। जैसे F2 प्रेस करने से जहां हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके बाद हम उसे चेंज कर सकते हैं। 4.1 इरेजिंग क्लियरिंग रेंजेस एंड डिलीटिंग कंटेंट्स, हमें इसमें इरेज करना है हम सेल, रो, कॉलम और वर्कशीट, इन्हें किसी को भी डिलीट कर सकते हैं और इरेज कर सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। तो हमारा मेथड जो है क्लियर करने के लिए सेल्स और रेंज को, सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे सेल्स को, या रो डिलीट करनी है तो हमें रो और कॉलम, उसके बाद हम एडिट मेन्यू में डिलीट कंटेंट ऑप्शन यूज करेंगे और उसमें हम जाके कंटेंट डायलॉग बॉक्स एक हमारे पास आएगा, इस कंटेंट डायलॉग बॉक्स में हमारे पास ये सभी ऑप्शंस होंगे जो आपको दिखाई दे रहे हैं। डिलीट ऑल टेक्स्ट, नंबर, डेट एंड टाइम, फॉर्मूलाज, नोट्स, फॉर्मेट, ऑब्जेक्ट्स, आप इन्हें डिलीट कर सकते हैं और इनमें से एक को डिलीट करना चाहें तो सिर्फ हम एक को भी डिलीट कर सकते हैं। यहां हम करके देखेंगे, यहां देखिए 4 नंबर सेल को मैं बोल्ड कर देती हूं और इसका साइज भी बढ़ा देती हूं, और सेल्स की बजाय मैंने अपने कॉलम को भी बड़ा कर लिया है। अब मुझे ये सुमित डिलीट करना है और इसका मेथड यही है, एडिट मेन्यू में जाकर डिलीट कंटेंट, डिलीट कंटेंट में मेरे पास आ गया डिलीट ऑल, या तो मैं इस पूरे के पूरे को डिलीट कर दूं, नहीं तो अगर मुझे सिर्फ टेक्स्ट को डिलीट करना है तो मैं टेक्स्ट पे क्लिक रहने दूंगी और इसे ओके कर दूंगी। यहां पे मेरा सुमित डिलीट हो गया है, मैं और भी कोई नाम लिखूंगी, तो यहां देखिए मेरा जो फॉर्मेट था, जो फॉर्मेटिंग थी, मैंने बोल्ड कर रखा है और जो साइज बढ़ा रखा है वो वैसा का वैसा ही रहा। अब यहां देखिए दोबारा से हम इसे डिलीट करते हैं, एडिट, डिलीट कंटेंट, डिलीट कंटेंट में हमारे पास आ गया टेक्स्ट और फॉर्मेट्स, फॉर्मेट्स आपके डिलीट हो जाएंगे, ओके। अब हम यहां जैसे ही नाम लिखेंगे कोई और, यहां देखिए मेरा जो बाय डिफॉल्ट था साइज 10 का है यहां पे, और जो मेरा टेक्स्ट है वो इस सेल में, मेरी फॉर्मेटिंग और टेक्स्ट डिलीट करने के बाद
10 साइज का आ गया है। और अगर मुझे फॉर्मेटिंग, जब तक हमने फॉर्मेटिंग डिलीट नहीं की थी तो साइज बड़ा ही आ रहा था। इसी तरह से हम फॉर्मूला को भी कर सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे, हम सिलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद कर रहे हैं एडिट डिलीट कंटेंट। डिलीट कंटेंट्स में हम दे रहे हैं टेक्स्ट और फॉर्मेट्स। अब यहाँ देखिए, जैसे ही हम डिलीट करेंगे, मेरे पास टेक्स्ट था ही नहीं, नंबर थे तो टेक्स्ट कोई था नहीं और फॉर्मेटिंग डिलीट हो गई है हमारे पास। और ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, नंबर्स लिखे हुए हैं। इसी तरह से हम जो भी डिलीट करना चाहें, चाहे कंटेंट्स हो, सेल हो, नंबर हो, डेट टाइम है, फॉर्मूलाज हैं, नोट्स हैं, फॉर्मेट्स हैं या फिर कोई ऑब्जेक्ट, वो डिलीट करनी हो तो हम यहाँ अलग से जाकर एडिट में जाकर डिलीट कंटेंट में उस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं और उसके बाद ओके क्लिक कर देंगे। अब हम फॉर्मूला बार भी आपको करके दिखाते हैं। यहां हमने कॉपी किया, कॉपी और यहां पेस्ट। यहां देखिए, अब हमारा फॉर्मूला बार डिलीट कंटेंट किया हमने। और हमने क्या करना है, फॉर्मूला को डिलीट करना है सिर्फ। हम यहां हटा देंगे, सिर्फ फॉर्मूला बार पे टिक किया हमने और ओके, हमारे जो है फॉर्मूला यहाँ से हट गया है। अब हम यहाँ पर कोई भी नंबर लिख सकते हैं। अब हम देखिए फॉर्मूला को डिलीट कर देंगे। यहाँ 428 पे हम लाए क्योंकि यह इसका सम है। हम एडिट मेन्यू में गए और डिलीट कंटेंट, डिलीट कंटेंट में हमने क्या किया, सिर्फ नंबर और टेक्स्ट दे दिया, फॉर्मूला पर क्लिक नहीं किया। और हम यहाँ देखिए ओके करेंगे, हमारा फॉर्मूला वैसा का वैसा ही लगा हुआ है। यह नंबर नहीं थे, ये हमारा फॉर्मूला वाला सेल था, फॉर्मूला बार है, इसीलिए यह है डिलीट नहीं होंगे। और अगर हम यहाँ नंबर पर डिलीट करते हैं, एडिट में आकर यही सेम हम कमांड लगाते हैं ओके, तो यहाँ देखिए हमारा नंबर रिमूव हो गया है। हमने पूरी रेंज सिलेक्ट की, एडिट मेन्यू में गए और डिलीट कंटेंट्स में ओनली दिया डिलीट ऑल ओके, तो डिलीट ऑल हो गया है, पूरा हमारा रिमूव हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्किंग विद फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आर द एंट्रीज इन वर्कशीट दैट डिफाइन्स द रिलेशनशिप टू और मोर सेल्स, जो दो और दो से ज्यादा सेल्स के बीच में रिलेशन दिखाएं उसे फॉर्मूला कहते हैं। और फॉर्मूला जो है हमेशा इक्वल टू से शुरू होता है। कोई भी फॉर्मूला है हम इक्वल टू से ही शुरू करेंगे। अगर हम इक्वल टू नहीं लगाते तो वह हमारा टेक्स्ट बन जाएगा, नंबर ही रह जाएगा और फॉर्मूला नहीं बनेगा। फॉर्मूला में हमारे पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेल रेफरेंसिंग। सेल रेफरेंसिंग तीन तरह की होती है, रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग, अब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग और मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है, चाहे 1 मार्क में आए, चाहे 2 मार्क्स में आए, चाहे 3 मार्क्स में आए। तो यहाँ हमें करना बताना है, सबसे पहले हमारे पास 3 टाइप्स की सेल रेफरेंसिंग है, रिलेटिव रेफरेंसिंग, अब्सोल्यूट रेफरेंसिंग और मिक्स्ड रेफरेंसिंग। सबसे पहले हम देखते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग। रिलेटिव रेफरेंसिंग जो होती है वो सिंपल रेफरेंस किया जाता है सेल्स को आपस में उनका। हम इसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे। यहाँ हर एक सेल का अपना एक एड्रेस है, यहाँ इनका रिलेशन बनाएंगे और हमें सम करना है तो हम ऑटोमेटिक सम पे क्लिक करेंगे और यहाँ रेंज सिलेक्ट हो गई है, हमने एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ जो हमने प्लस किया है, यह जो हमारा रिलेशन बना है इस रेंज के बीच में, यह हमारी रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग है, इनका सिर्फ हमने रिलेशन बनाया है। अब मैं इसे कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, यहाँ हमने कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी और इन दोनों सेल में पेस्ट। हमारे तीनों जो रेंजेस थी अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ पर सम हो गया है क्योंकि इनका पहले रिलेशन बना था
और अब इनका रिलेशन कॉपी पेस्ट से हो गया है मृतक का, और यहाँ डी टू से लेके डी सेवन और ई सेवन ई टू से ई सेवन तक का अपना अलग अलग से हमारा जो था सम ऑटोमेटिक हो गया है। जो रिलेटिव सेल रेफरेंस होता है जब हम उसे कॉपी पेस्ट करते हैं तो अपने आप वह ऑटोमेटिक वही की वही रेंज ले लेता है जैसा हमने रिलेटिव सेल रेफरेंस में दिया होता है। और अब हम करेंगे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग बनाने के लिए हमें उससे पहले डॉलर साइन को लिखना पड़ता है और उस कॉलम और रो से पहले उसको एब्सोल्यूट बनाना पड़ता है, फिक्स बनाना पड़ता है, जिससे कि हमारा वो एब्सोल्यूट सेल एड्रेस फिक्स हो सके, चेंज ना हो सके। यहाँ देखिए, यहाँ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस किया गया है, यहाँ सेल को एब्सोल्यूट किया गया है, फिक्स किया गया है ताकि वो चेंज ना हो। हम आगे करके देखेंगे। हम यहाँ इन्हें सम करेंगे, सम में हम लिख रहे हैं इक्वल टू, हम इन्हें एब्सोल्यूट सेल बनाएंगे और वही का वही हम सम कर रहे हैं इक्वल टू। सम करना है हमें, हमारा है सी टू और सी थ्री। हम यहाँ करेंगे डॉलर सी टू डॉलर सी प्लस लगाएंगे पहले, प्लस डॉलर थ्री। यहाँ हमारा प्लस करते ही हम 110 आ गया है, इन दोनों का सम हो गया है। हम यहाँ फिगर लिखेंगे 45 और 65 हमने यहाँ लिख दिया है, जैसे पहले हमने कॉपी पेस्ट किया था सेल रेफरेंसिंग में। हम इसे कॉपी पेस्ट करेंगे कंट्रोल सी और यहाँ करेंगे पेस्ट। यहाँ देखिए हमारा 110 आ गया है, लेकिन इनका सम जो है वो 110 नहीं है, यह हमारा रोंग है। जो हमने एब्सोल्यूट सेल बनाया था वही का वही वहाँ पर कॉपी हो गया है, इन दोनों का सम नहीं आया। हम इसी सेल को कहीं और पेस्ट कर देंगे। यहाँ देखिए यहाँ भी 110 आ गया, यहाँ पेस्ट करेंगे यहाँ भी 110 और यहाँ भी 110, क्योंकि यह जो रिलेशन बनाया था हमने यह एब्सोल्यूट बनाया था, फिक्स कर दिया था सी थ्री को भी और सी टू को भी। अब हम जहाँ पे भी कॉपी पेस्ट करेंगे वहाँ वही की वही वैल्यू आएगी जो हमने एब्सोल्यूट कर रखी है, वह वैल्यू चेंज नहीं होगी। हम सिंपल सेल रेफरेंसिंग दोबारा से करके देख लेते हैं। ई टू प्लस ई थ्री, यहाँ जो हमारा सम है 140 आ गया है इन दोनों का सम, और ये जो सेल था हमने हमारा एब्सोल्यूट है, और यह जो हमारा सेल है वह रिलेटिव सेल है, रिलेटिव फॉर्मूला लगा है। अब हम करेंगे मिक्स्ड रेफरेंसिंग। मिक्स्ड रेफरेंसिंग जो है, मिक्स्ड रेफरेंसिंग में आप किसी कॉलम को भी फिक्स कर सकते हैं, रो को भी फिक्स कर सकते हैं, या दोनों को भी फिक्स कर सकते हैं, और एक सेल दो एड्रेस में से एक एड्रेस को फुली फिक्स कर सकते हैं, एब्सोल्यूट बना सकते हैं और दूसरे को रिलेटिव बना सकते हैं। इस रेफरेंसिंग जो है वह आपकी एब्सोल्यूट और सेल रेफरेंसिंग को मिक्स करके ही बनाना है, मिक्स करके ही हमें फॉर्मूला निकालना है। फॉर्मूला बार पर आकर और इसमें से डॉलर हटा दिया हमने सी थ्री के आगे, और सी थ्री को हमने रिलेटिव लिया है और इसे फिक्स बनाया है सी टू वाले सेल को। अब हम इसे कॉपी पेस्ट करेंगे। यहाँ देखिए हमारे 120 हो गया है, इसने 75 प्लस 75 नहीं किया है, इसने जो हमने फिक्स किया था सेल सी टू को, यहाँ हमने जब कॉपी पेस्ट किया है तो हमारा जो सेल है यहाँ देखिए सी टू फिक्स ही रहा, और E3 के साथ उसने हमारा सम कर दिया है और आंसर हमें शो हो गया है 120, यानी C2 74
और 75 हमारा यहाँ सम आ गया है। इसी तरह से हम कहीं और फिगर लिखते हैं, यहाँ हम लिखते हैं, हम ब्लैंक छोड़ते हैं और यहाँ लिखते हैं हम 85। यहाँ देखिए, यहाँ हमने सिलेक्ट किया कॉपी और यहाँ किया पेस्ट। यस, यहाँ देखिए कुछ सेल होने कुछ रेफरेंस, एक वैल्यू हमारी फिक्स है, एक वैल्यू हमारी फिक्स है और दूसरी हमारी रिलेटिव रेफरेंस है। आप इसे करके देखिएगा। पेज नंबर 116, 117 और उसके बाद कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। थैंक यू।